तेगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी ललित नागर के लिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और गुर्जर साम्राज्य के कद्दावर नेता सचिन पायलट आज तेगांव अनाज मंडी में सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उनके पहुंचने पर प्रत्याशी ललित नागर सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि पूरे हरियाणा की नज़र सिर्फ तेगांव विधानसभा क्षेत्र पर है। भाजपा के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने तेगांव विधानसभा क्षेत्र पर पूरा जोर आजमा दिया है। अब वक्त सिर्फ वोटरों का है। पहले की तरह इस बार भी ललित नागर के हक में वोट करके उसे भारी मतों से जिताकर चंडीगढ़ भेजने का काम करें और आगे का काम सचिन पायलट खुद करेगा, ऐसा कहना था सचिन पायलट का। ये चुनाव जीतना हमारे लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे हरियाणा की नजर तेगांव विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई है। जब से तेगांव विधानसभा क्षेत्र बना है, तब से यहाँ के गांव की एक अलग पहचान बनी है। इसलिए गांव के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के लोगों से, कि ये आदमी जिनको मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, अच्छे में बुरे में जो अपना साथ दे वही अपना भाई बेटा है। चुनाव के समय सारे काम छोड़कर आपके बीच में आया हूँ। ललित नागर को दोबारा विधायक बनाने की जिम्मेदारी आपको देकर जा रहा हूँ और 21 तारीख को एक एक वोट इस हाथ के निशान पर खड़े वहीं इस दौरान प्रत्याशी ललित नागर लोगों को संबोधित करते हुए सचिन पायलट के सामने भाजपा पर राजनीति के तहत समर्थकों के ऊपर छापेमारी का आरोप लगाते हुए रोने लगे। रोते हुए ललित नागर ने कहा कि भाजपा उनके समर्थकों के घर पर इनकम टैक्स के छापे लगवा रही है ताकि वह कमज़ोर हो जाएं।